स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ जो है पांच क्वाइन दिसंबर मंथ के लिए शेयर करने वाला हूं जो कि आपको 50 से 100% के करीब प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी जो बिटकॉइन अपने जो है एक सपोर्ट जोन जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज है वहाँ पर चल रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम जो है बिटकॉइन को 49 से लेकर 51,000 के करीब जो है देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इस जोन में आता तो इन क्वाइंस में और भी 10% 15% का जो है आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन क्वाइंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो प्राइस बताऊंगा उस प्राइस से लेके 10% नीचे तक मतलब जो है पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट करिएगा और साथ में जो है आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा जो नवंबर मंथ में मैंने क्वाइन शेयर किए थे QTM था ERN था जो कि 45% ERN 80% और WTC 25% के करीब प्रॉफिट दिया था और बाकी जितने भी क्वाइन थे वो सारे जो है बाइंग प्राइस से ऊपर गए थे। तो आप लोग से कहूँगा अगर इन क्वाइंस को आप बाई कर रहे हैं तो बाइंग प्राइस से अगर ऊपर जाता है तो आप जो है बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्योंकि वो सारे कॉइन जो अपने बाइंग प्राइस से नीचे आ गए हैं इतना परसेंट ऊपर जाने के बाद। और इन कॉइन्स में ADA कॉइन था जो कि अभी भी जो है वहाँ पे जो मैं बाइंग प्राइस बताया था उसके बाद जो नीचे आ गया था। लेकिन दोस्तों जो लोग ADA कॉइन को बाई करके रखें उनसे मैं यही कहूँगा कि आप होल्ड करके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म कॉइन है, आपको प्रॉफिट देके जाएगा, लॉस में सेल करने की जरूरत नहीं है। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों सीधे हम चलते हैं कॉइन के नेम पे। तो जो पहला कॉइन है वो है थोर चैन, ठीक है, 58 रैंक पे है और 11.22 के करीब इसका जो है प्राइस चल रहा है। इंडियन रुपीज में बात करें तो 800 रुपये के करीब इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसका दोस्तों मेननेट लॉन्च होने वाला है जो कि क्रिसमस के समय मतलब कि 25 दिसंबर के आसपास इसका मेननेट है और इसका एक और जो है इवेंट है टेरा के साथ इसका इंटीग्रेशन। तो इस वजह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें जो है आने वाला जो मंथ है दिसंबर उसमें एक अच्छा जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आप इस प्राइस से जो है बाई कर सकते हैं, $10 के आप जो है अगर आपको मिलता है $10 से लेकर $11 के बीच में तो आप इसको एडमिट करके रख सकते हैं। ये अपना जो है पहला कॉइन हो गया। सेकेंड जो कॉइन है वो दोस्तों IOST 133 के करीब इसका रैंक है, 0.037 के करीब इसका जो है डॉलर में प्राइस चल रहा है। इंडियन रुपये में बात करें तो 2.83 रुपये के करीब आप इसको भी एग्नेट करके रख सकते हैं। इसका भी जो है Q4 में अच्छे खासे इवेंट है, जब इन्होंने अपना रोड मैप अपडेट किया था तो उसमें Q4 में आप देख सकते हैं अच्छे खासे इवेंट हैं। तो बहुत सारे इवेंट हैं जो कि हो चुके हैं, बहुत सारे इवेंट जो है अभी बचे हुए हैं। तो आप जो है जैसे जैसे से इवेंट जो है नज़दीक आते जाएगा आप देखिएगा इस पर भी जो है एक अच्छा मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो आप इस भी कॉइन को जो है आप एक्लिमेट करके रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो कॉइन है दोस्तों वो जो है LIES 142 के करीब इसका रैंक है, $20 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी। इसमें एक अच्छा खासा पंप आया था, इस वजह से आप देख सकते हैं 18% के करीब इसमें करेक्शन देखने को मिला, ठीक है। इंडियन रुपीज में बात करें तो 1500 के आसपास मिल रहा है, आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा एक्लिमेट करके रख सकते हैं। ये एक जो है मेटावर्स कॉइन भी है, अगर आप जो है मेटावर्स के लिस्ट में जाके देखेंगे तो ज़्यादा नीचे आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये जो है टॉप 10 में आपको जो है ये कॉइन भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि इसमें भी जो है एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है मेटावर्स के कारण। इसके अलावा दोस्तों इसके जो है दिसंबर मंथ में अच्छे खासे इवेंट हैं, अगर आपको जो है किसी भी कॉइन का इवेंट देखना है तो आप जो है coinmarketcarl.com पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है कॉइन्स के इवेंट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर मंथ में अच्छे खासे इवेंट, जनवरी में भी इसके इवेंट देखने को मिले हैं। तो आप इसको भी थोड़ा सा एक्मिनेट करके रखिएगा, इसमें भी जो है आप 50-100% बहुत ही जल्द एक प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो कॉइन दोस्तों वो जो है ERN को जो है मैंने पिछले मंथ के भी कॉइन में जो है शामिल किया था, $11 के करीब हम लोगों ने इसको बाई किया था और $20 के करीब ये गया था, मतलब कि 80-90% प्रॉफिट इसमें इसने दे चुका है। अभी फिर से इसमें एक करेक्शन देखने को मिला है, 12% के करीब ये जो है अभी डाउन चल रहा है, 360 के करीब इसका रैंक है, 13.70 के करीब इसका डॉलर प्राइस चल रहा है और इंडियन रुपीज में बात करें तो ये लगभग ₹1000 के करीब चल रहा है, आप इसको भी एक्मिट कर सकते हैं। इसका भी जो है Q4 में अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे इवेंट है, NFT लैंडिंग, NFT ट्रेडिंग, ठीक है। तो इस इवेंट के कारण जो है इसमें भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये भी एक मेटावर्स कॉइन है, तो जैसे सारे जो कॉइन मेटावर्स सारे पंप हो रहे हैं तो इसमें भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन एक जगह जाकर स्टेबल होता तो, ठीक है। ये जो है अपना चौथा कॉइन है। पाँचवा कॉइन दोस्तों MBOX, ठीक है, 241 के करीब इसका रैंक है, $6 के आसपास मिल रहा है। इसमें भी एक अच्छा पंप देखने को मिला और अभी जो है 18-19% के करीब डंप चल रहा है। इंडियन रुपीज में बात करें तो 450 रुपये के करीब इसका प्राइस चल रहा है। इसके रोडमैप पे अगर आप जाएंगे तो Q4 में इसके भी अच्छे खासे इवेंट हैं, Game 3 रिलीज हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपको इवेंट देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी वजह से भी इसके प्राइस में एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। तो ये दोस्तों हमारे पाँच कॉइन हैं, आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग बताया वार्निंग, आप जो स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा। ये जो कॉइन है थोर चैन, आप इसको जो है होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म कॉइन अगर जो है $9 के आसपास भी आता है सेल आउट करने की जरूरत नहीं, आप इसको एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको जो है ये कॉइन पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा,
इसको जो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे जो है न्यूज़ अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। और साथ में दोस्तों अगर आपने हमारा जो है ट्विटर अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो इसको फॉलो कर लीजिए, इस पर भी आपको जो न्यूज़ अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।